सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आप लोग भिन्न भिन्न देवी देवताओं की साधना करते हैं, अनेकों मंत्रों को रटने का प्रयत्न करते हैं, बहुत देवी देवताओं की पूजा करते हो, बहुत से स्थानों के ऊपर जाते हो। आप जितना प्रयास हो सकता है उतना करते हो, लेकिन आप लोग साधना के विषय में, परमात्मा के विषय में, ध्यान के विषय में, उस परम तत्व के विषय में आप लोग कुछ भी नहीं जानते। और जो लोग आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं वो भी लोग कुछ नहीं जानते, वो वहीं फंसे हुए हैं, आपको साधना से दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं है कि उन मंत्रों से आपको कुछ लाभ नहीं होगा, ये नहीं है कि आप उनकी साधना करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा का ये रास्ता नहीं है, परमात्मा का रास्ता इससे बिल्कुल विपरीत है। जितने भी अवतार हुए, जितने भी महात्मा हुए, सबने अपने अपने मार्ग दिखाए। और एक बात और आप गहराई से सोचना, हर कोई ये कहता है कि ये जितने भी रास्ते हैं सब परमात्मा की ओर जाते हैं, जितने भी धर्म के मार्ग हैं सब परमात्मा की ओर जाते हैं, और सब उसी की ओर दौड़ रहे हैं, सबको उसी के अंदर पहुंच जाना है, सब वहीं पहुंच जाओगे। किसी भी मंत्र से शुरू कर लो, जाना तो परमात्मा के ही पास है। किसी भी देवी देवता की साधना कर लो, पहुंचना तो उन्हीं के पास है। एक नहीं तीन इस जन्म में पहुंच जाएंगे, अगले जन्म में पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके बिल्कुल विपरीत बात है, बिल्कुल उल्टी बात है। आप विचार भी नहीं कर सकते, आप उस परमात्मा से दूर जा रहे हैं। जितने भी देवी देवताओं की ये साधना कर रहे हैं उतना ही परमात्मा से दूरी बढ़ती जा रही है। एक जन्म में तो क्या, हजारों लाखों जन्मों में भी आप उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि परमात्मा का तो मार्ग ही अलग है, वो तो रास्ता ही अलग है। ऐसे कैसे कोई पहुंच सकता है, कोई भी मंत्र रटने लगता है ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे, कोई भी छोटी मोटी सिद्धि हो जाए तो ऐसे कैसे आप प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये रास्ता बिल्कुल अलग है, ये खेल ही अलग है। लेकिन हमारे जो आए संत महात्मा ऋषि मुनि, मैं कबीर के बारे में देख रहा था, वो कह के चले गए कि मैं दोबारा से आऊंगा, फिर रास्ता दिखाऊंगा। अरे जब दोबारा आओगे क्या पता आओगे ना आओगे, आओगे तो कितने हजारों लाखों वर्ष बाद आओगे, तब तक इस पृथ्वी को कौन संभालेगा। क्या आप सतलोक से आ गए तो सतलोक तक ही तो पहुंचोगी, उससे आगे नहीं हो सकती। वैकुंठ लोक के जो वासी उनकी वैकुंठ तक ही तो पहुंचोगी, उससे आगे नहीं हो सकती। जितने भी नाम आपने सुने हैं सबके, आप ये समझो जितने भी लोक हैं, आप चाहे देवी देवताओं की साधना करो चाहे उनकी साधना करो, इतना सा अंतर है। ये लोहे के पिंजरे हैं, वो सोने के पिंजरे हैं, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है, और इससे ज्यादा अंतर हो भी नहीं सकता। आपकी समझ में जब तक आएगी तब तक ये जीवन बीत जाएगा। आप साधना की सोचते रहते हो, न आपको साधना का रास्ता पता है, आपको कोई साधना करवाने का प्रयास करता है आप फंस जाते हो। अरे देवी की पूजा नहीं की, अरे वहां नहीं गए अब की बार, अरे हमारे कुल देवता न रूठ जाए, हमारे पितर ने नाराज हो जाए, अरे हमारे तो वो ग्रह दोष है वो हो जाए, हमें साधना से क्या मतलब है। ये तो छोटे छोटे कार्य हैं। परमात्मा परम तत्व एक अलग ताकत है, वो एक अलग पहचान है, वो एक अलग शक्ति है जो प्रत्येक जीव के अंदर वास करता है। आपने कभी अपने संतों से कुछ पूछने का, कुछ खोजने का प्रयास किया है? बिल्कुल भी नहीं किया। बस जो बोल दिया वो मान लिया और आगे निकल लिए। बोलते रहते हैं बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत मैंने देखा बड़ा नजदीक से, बोलते रहते हैं काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर, मोह के ऊपर, लोभ के ऊपर,
विषय वासनाओं के ऊपर, संसार के ऊपर, धन संपत्ति के ऊपर बोलते रहते हैं और आप सुनते रहते हो, सुन करके आ जाते हो। वो बोलते हो कि अरे ये तो बड़ा अच्छा बोलता है। और जो महात्मा जो वस्त्र धारण करके और महिलाओं को जो अच्छी बुरी गालियां देता रहता है, उनके पीछे लोग भागने लगते हैं, अरे ये तो महिलाओं से बड़ा दूर रहता है, इसके अंदर तो बड़ी दूरी है, बड़ा तपस्वी होगा, अरे कहाँ फंस गए आप लोग, वो कुछ भी नहीं जानते, वो एक इंद्री के वश हो गए हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। और ब्रह्मचर्य से भी आप महरलोक तक जा सकते हैं, महरलोक से आगे नहीं जा पाएंगे, वहीं रोक दिए जाओगे। अगर कभी किसी जन्म में आपने कोई किसी प्रकार का कर्म किया हो, किसी प्रकार की साधना इस जन्म में, कई बार ऐसा होता अपने आप ही कुंडली जागरण शुरू हो जाता है, कई बार होता है इस प्रकार का, अपने आप ही आत्मा जागृत होने लगती है, बहुत बार हो जाता है ऐसे, कई जीवों के साथ हो जाता है ऐसे। लेकिन ये वो साधना अलग है, कौन सी साधना का मैं जिक्र कर रहा हूँ आप सोच नहीं सकते, मैं उस साधना की बोल रहा हूँ जो सब लोक लोकांतर से परे है, जिसमें सतलोक से भी परे है, गोलोक से भी परे है, वैकुंठ से भी परे है, शिवलोक से भी परे है, जितने भी लोक आपने आज तक नाम सुने हैं, अनंत लोक से लेकर के और शिवलोक तक, ब्रह्मलोक से लेकर के और गोलोक तक, जितने भी नाम हैं, जिस लोक से जो भी आएगा, जितना तत्व लेकर के आएगा, जितनी कलाएं लेकर के आएगा, जितना जो कुछ भी लेकर के आएगा, वो सीमित है, बिल्कुल बिल्कुल सीमित है सब कुछ। अगर आप सोचो कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वो ये ज्ञान अपने लोक का तो वर्णन कर देगा, अपने लोक तक का रास्ता तो जीवों को दिखा देगा, लेकिन उस परम तत्व के लोक तक का रास्ता वो नहीं दिखा सकता। क्या आपने कभी अपने गुरुओं से, अपने महात्माओं से, अपने संतों से, जिनको आप श्रेष्ठ मानते हो, ये सवाल किया कि जब आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता, आत्मा को घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो ये परमात्मा से अलग कैसे हुई, किस प्रकार से इसको अलग किया गया, काट करके किया गया, तोड़ करके किया गया, किस प्रकार से उखाड़ करके किया गया, या किस प्रकार से इसके टुकड़े किए गए, क्या आपने कभी ये सवाल किया अपने गुरुओं से, क्या कभी आपने सोचा है किस प्रकार के भी सवाल हो सकते हैं। आप आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, बस भाग रहे हैं, एक दौड़ चली हुई है, अरे उसके तो लाखों शिष्य हैं, तो मैं भी उन्हीं का शिष्य बनूंगा, कुछ जाने ना जाने, कुछ समझे ना समझे, कुछ पता हो ना हो, कुछ परमात्मा का रास्ता मालूम हो ना हो, रास्ता दिखाने वाला हो ना हो, बस थोड़ा इस संसार के अंदर ज्यादा लोग जुड़े हुए हो, ज्यादा लोग जानते हो, और अच्छा सा अच्छे से वस्त्र धारण कर लिए हो, और बड़ा बड़ी बड़ी बातें करने वाला हो गया गुरु, बड़ा आसान सा तरीका तो गुरु बनने का। लेकिन जब सवाल किए जाते हैं, हलचल मच जाती है, बड़े बड़े योगी मौन हो जाते हैं, उनका श्वास बंद हो जाता है, जवाब नहीं होता। आप खोज करके देखिए, आप पूछ करके देखिए, आप मिल करके देखिए, प्रश्न तो कीजिए। क्या आपने कभी पूछा अपने गुरु से कि जिसके कान जिसको सुनाई न दे, जो बहरा हो, जिसको दिखाई न दे, जिसकी वाणी ना हो, उसको किस प्रकार से आप नाम दोगे, कैसे ज्ञान कराओगे, उस जीव का कैसे कल्याण होगा, किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या आपने कभी पूछा इस अपने गुरुओं से इस सवाल का उत्तर? आपने नहीं पूछा, आप बस वहीं फंसे हुए हो, तेरा मेरा के अंदर कैसा ये सिस्टम चला हुआ है। आप उस अध्यात्म से इतने दूर चले गए हो कि आपको ज्ञान का भी अनुभव नहीं है, आपको रास्ते का भी मालूम नहीं है, आप कोई विश्वकुंठ लोक की बात करें तो बड़ी मानने लगते हो, कोई गोलोक की बात करें तो बड़ी मानने लगते हो, इन बातों के अंदर इतने बुरी तरह फंस गए हो कि ये बात इतनी
बुद्धि के अंदर भी इतनी विचलित कर दिया, इन्होंने सब कुछ सारा सिस्टम ही खराब कर दिया। आपके पास न साधना है, न ध्यान है, न परमात्मा का मार्ग है, न कोई आपके पास युक्ति है, न आप पहुंच सकते। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, जिस प्रकार से चल रहे हो, चाहे लाखों जन्म हो जाएं, चाहे करोड़ों जन्म हो जाएं, आप परमात्मा से दूर जाओगे, नजदीक नहीं आओगे। वो परमात्मा तत्व अलग है बिल्कुल, आप उसे समझने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि वो समझ से भी परे है। हर कोई कहता है मन बुद्धि से परे है परमात्मा, हर कोई कहता है कि पांचों तत्वों से परे है परमात्मा, लेकिन कहते हैं समझते नहीं हैं, समझते हैं मानते नहीं हैं। ये कैसा ये संसार है, कैसे फंस गए हैं। आप उस परमात्मा की ओर बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसकी ओर नहीं बढ़ पाए, अगर परमात्मा की तरफ नहीं चल पाए, आपने कुछ नहीं किया। आप खोज कीजिए, बिना खोज के कुछ नहीं मिलेगा। और इन सवालों के उत्तर ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। अगर आपको इन सवालों के उत्तर नहीं मिले, तो आप समझना समर्थ के पास नहीं पहुंचे हो। खोजते रहो सवालों को और उस परमात्म तत्व की पहचान कीजिए कि कहाँ है वो परमात्म तत्व, कहाँ उसकी प्राप्ति हो सकती है, कौन इस धरा के ऊपर समर्थ महापुरुष है। बस मैं इतना ही कहूंगा, आप जब तक इन सवालों के उत्तर नहीं मिले, तब तक आप अपना मस्तक किसी के सामने मत झुकाइए, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के आगे, पूर्ण गुरु के सामने जब तक जीव नहीं झुकता, तब तक उसका कल्याण संभव नहीं हो सकता।